ओके, सो वेलकम टू दिस क्लास ऑफ रेंडरिंग। ओके, रेंडरिंग भी मैंने आपको बताया हुआ है, आपको कैमरा का व्यू सिलेक्ट करना है, आप रेंडरिंग में जाएंगे, रेंडर सेटअप के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आउटपुट साइज है, इसी देखिए मैंने HD ले लिया और एक बड़ा सा साइज ले लिया 1920x1080। आप अगर मान लीजिए आपका जो क्लाइंट है उन्होंने आपको पूछा कि ये कैमरा वन में चला जाता हूँ कि ये वाला जो है आप मुझे ये वाला जो कैमरा व्यू का आपने बनाया है इसको आप मुझे एक A4 साइज में प्रिंट करके दीजिए, या फिर आपके क्लाइंट ने पूछा कि इसको आप A3 साइज या A4 साइज में प्रिंट करके दीजिए। तो अभी आपका अगर यहाँ पे साइज 1920x1080 है तो हमारा A3 का साइज कितना होता है? फोटोशॉप में फाइल न्यू में जाते हैं हम लोग, यहाँ पे इंटरनेशनल पेपर में जाते हैं, A3 में जाके ओके करते हैं। ठीक है, इसका ओरिएंटेशन मैं 90 डिग्री घुमा देता हूँ। ओके, लाइक दिस, ऐसे हुआ। तो आपके क्लाइंट ने बोला कि इस साइज़ का पेपर में मुझे आप प्रिंट करके दीजिए। सो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैंने क्या किया है, इसको 1920x1080 में मान लीजिए मैंने रेंडर कर दिया। ओके, ये दोबारा रेंडर हो रहा है, अभी मैंने इसको रेंडर कर दिया। अभी रेंडर करने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, ग्राफिक एडिटिंग में बाद में बताऊंगा, उसका एक पार्ट मैं बता देता हूं। इसको रेंडर आप हमेशा करेंगे PNG फॉर्मेट में, PNG। ओके, PNG में, डेस्कटॉप में इसको PNG फॉर्मेट में सेव कर देता हूं। ओके, मान लीजिए ये मेरा स्टॉल रेंडर वन। ओके, अभी मैं यहां फोटोशॉप में जाता हूं, फाइल में जाता हूं, ओपन के ऊपर क्लिक करता हूं। डेस्कटॉप में मैं इसका नाम दिया था स्टॉल रेंडर वन, स्टॉल रेंडर वन। ओके, आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से मूव करके ड्रैग करके यहाँ पे डाल देता हूँ। यस, अभी देखिए A3 साइज का 300 रिजोल्यूशन के हिसाब से ओरिजिनल साइज ये बनता है। अभी आप अगर इसको कंट्रोल टी पकड़ के स्केल करेंगे तो क्या पिक्सल डिस्टोशन होगा? तो हाँ, पिक्सल डिस्टोशन ज़रूर होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो पिक्सल साइज, इसका पिक्सल साइज का इक्वल नहीं है। 1920 इज स्मॉलर पिक्सल साइज रिलेटेड टू A3। ओके, अभी आप इसको 100% तक जूम कीजिए, आपका डिस्टोशन होगा ही होगा, ओरिजिनल क्वालिटी यहाँ पर नहीं रहेगा। यहाँ देखिए पिक्सल डिस्टोर्ट हो रहा है। ओके, इसको सॉल्व कैसे करें, आप ये जो A3 साइज है, इमेज साइज में जाइए और एक पेन और पेपर में नोट कर लीजिए कि इसका जो विड्थ है ये 4961 पिक्सल्स हैं और ये 3508 पिक्सल हैं। ये A3 का है, वैसे ही आपका A4 का अलग होता है, मतलब इससे कम हो ज़रूर। तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, मैक्स में मुझे इसको रेंडर करना पड़ेगा। मैन्युअली मैं यहाँ पे दूंगा 4961 और यहाँ पे दूंगा 3508। अभी देखिए जब मैं इसको HD फॉर्मेट में इसको रेंडर करता हूँ तो 3508 करने से ये अपने आप 6200 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, अगर लेकिन मैं जब यहाँ पे 4961 कर रहा हूँ तो ये कम हो जा रहा है, तो हमेशा ये नंबर ऐड कीजिए जिससे ये वाला बड़ा होने से चलेगा लेकिन ये वाला कम नहीं होना चाहिए, मतलब ऊपर का विड्थ और हाइट कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होने से चलेगा। ओके, और ये प्रपोर्शन में है, अगर मैं इसको कस्टम करता तो आप पूरा एग्जैक्ट साइज लिख सकते हैं 4961 और ये 3508। ठीक है, लाइक दिस, मान लीजिए एग्जैक्ट साइज में लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, अभी आप बोलेंगे रेंडर कर दूंगा, नहीं, यहाँ और एक चीज़ आपको सीखना है, उसको बोलते हैं सेफ फ्रेम्स। आप यहाँ कैमरा वन के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा विच इज़ कॉल्ड सेफ फ्रेम्स, क्योंकि आपका कंप्यूटर स्क्रीन में ये जो प्रोपोर्शन है वो आपका रेंडरिंग साइज का प्रोपोर्शन से सेम होगा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो जब आप यहाँ पे सेव फ्रेम्स पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर आपको देखिए एक येलो कलर का बॉक्स देगा। ओके, और ये जो येलो कलर का बॉक्स है, अभी आप परफेक्टली बोल सकते हैं मैं जब रेंडरिंग करूँगा तो मेरा पूरा व्यू ऐसे होगा। तो अभी मैं कैमरा को थोड़ा एडजस्ट कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो स्पेस ज़्यादा बच जा रहा है ना, तो इसको मैं ऐसे एडजस्ट करता हूँ कि ज़्यादातर पूरा स्क्रीन के सेंटर में आ जाए और मेरा स्पेस वेस्ट ना हो, सारा कुछ कवर हो जाए। ओके, क्योंकि रेंडरिंग तो प्रोपोर्शन से ही होगा ना, गलत प्रोपोर्शन में तो रेंडरिंग कभी होगा नहीं। तो यहाँ से आप
यहाँ से जितना स्पेस, यहाँ से उतना स्पेस दे दीजिए, ये ऊपर नीचे भी स्पेस इक्वलिंग कर दीजिए। अभी आप रेंडर करेंगे तो परफेक्टली इस एरिया के अंदर आएगा। तो सेफ फ्रेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेंडरिंग। अभी इसको रेंडर कर देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगेगा। अब 19, ये देखिए ये 1:8 में हो रहा है। ओके, मतलब आप हिसाब कीजिए, आपका जब आप 1920 में कर रहे थे तो आपको मान लीजिए 30 सेकेंड्स लगा था, तो अभी आप उसका 3 गुना साइज़ में रेंडर कर रहे हैं, तो आपका आउटपुट का जो टाइम है वो 3 गुना से 6 गुना तक बढ़ जाएगा। लेकिन आपका क्लाइंट का जो स्क्रीन का जो क्वालिटी आएगा, जो प्रिंट का जो क्वालिटी आएगा, वो पूरा परफेक्ट आएगा। यहाँ पे ज़्यादातर लोग मार खाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं चलता है कि प्रिंट के लिए हमको रेंडर करना पड़ेगा प्रिंट का पिक्सल के हिसाब से। आप अगर यहाँ पे सिर्फ 1000x800 या 2000x1500 वैसा रेंडर करेंगे तो जब आप इसको A3 में प्रिंट निकालेंगे तो वो डिस्टोर्ट हो ही जाएगा। तो आपको ग्राफिक इंडस्ट्री के बारे में अगर नॉलेज है प्रिंटिंग में, तो जैसे हम लोग कैमरा से फ़ोटो उठाते हैं, अच्छा मेगापिक्सल्स का कैमरा होने से आपका एक एक फ़ोटो 4000x3000 पिक्सल साइज़ का आता है या उससे भी ज़्यादा आता है। तो उसको अगर आप A3 पिक्चर में रखते हैं या फ्लेक्स का डिज़ाइन में रखते हैं तो डिस्टोर्ट नहीं होता है। वैसे ही मैक्स में बनाया हुआ चीज़ों को अगर आप बड़ा स्केल में रखना चाहते हैं तो पहले आप फोटोशॉप में जाके उसका साइज़ देख लीजिए, उस हिसाब से यहाँ पर रेंडर कीजिए, फिर यहाँ से वहाँ पे ले जाएंगे और जब प्रिंट निकालेंगे तो बिना डिस्टोर्शन का पूरा परफेक्टली आएगा। ये रेंडर हो गया, अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ, इसको मैं स्टॉल रेंडर 2 कर देता हूँ, PNG फॉर्मेट। ओके, यहाँ पे मैं ये साइज था मेरा, यहाँ फाइल ओपन करता हूँ, यहाँ पे स्टॉल डिज़ाइन 2, शायद सेव नहीं हुआ है, हाँ हो गया। ओके, ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत बड़ा साइज़ है। अभी इसको मैं ड्रैग करके यहाँ डालता हूँ, यस, अभी आप इसको यहाँ रखिए, नाउ यू सी। अभी अब मैं इसको यहाँ राइट क्लिक, एक्चुअल पिक्सल्स 100% तक लाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कुछ डिस्टोर्शन लग रहा है, नहीं, ये बिल्कुल डिस्टोर्ट नहीं हो रहा है और आपका जो प्रिंट है वो पूरा क्रिस्टल क्लियर आएगा। ओके, सो ये हो गया रेंडरिंग। इसके बाद मैं आपको थोड़ा ग्राफिक एडिटिंग सिखा दूंगा लास्ट में। दो वीडियो लिया है, दो का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक ही वीडियो में आपका रेंडरिंग एंड ग्राफिक एडिटिंग नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने रेंडरिंग करके फोटोशॉप में ले आया और रेंडरिंग में एग्जैक्ट क्या साइज़ होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू।